हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले कि बीसीएस के लिए लास्ट नाइट स्टडी कैसे करें। अगर आपके पास एक ही दिन बचा है बीसीएस की एग्जाम के लिए, तो उसकी स्टडी आप कैसे कर सकते हैं, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले। तो चलिए देखते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ। देखते हैं कि बीसीएस के लिए लास्ट नाइट स्टडी कैसे करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि स्टडी फर्स्ट ओनली दैट चैप्टर विच हैज मोर मार्क वेटेज। देखिए, आपको क्या करना है कि जितने भी आपके चैप्टर है उनके मार्क वेटेज निकालने हैं, जो इस चैप्टर के लिए इतने मार्क है, इस चैप्टर के लिए इतने मार्क है, तो वो निकाल लीजिए और उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा मार्क किस चैप्टर के लिए, तो उससे आपको सबसे पहले पढ़ना है, और जिसके सबसे कम मार्क्स है उसे सबसे लास्ट में पढ़ना है। तो इस हिसाब से आप इस अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स वाले जो चैप्टर है तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो आपको जो एग्ज़ाम में है ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा मार्क भी मिल जाएंगे। ये हुआ पहला पॉइंट। उसके बाद है दूसरा पॉइंट कि देखिए, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो वो क्या करता है कि प्रीवियस ईयर के जो कोई लगभग 30-40% जो क्वेश्चन पेपर होते हैं तो उसे ही इस साल के क्वेश्चन पेपर में डाल देता है। लगभग सेम ही रहते हैं, थोड़ा चेंज हो सकता है, बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के ही आते हैं हर क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि हर बार नए क्वेश्चन तो नहीं बना सकते ना एक ही सिलेबस से। वो क्या करते हैं, 40% तक के जो क्वेश्चन होते प्रीवियस ईयर से ही इस क्वेश्चन पेपर में डाल देते। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको लगभग आधा जो पेपर है वो पहले से ही आता होगा, तो इसीलिए सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि स्टडी अकॉर्डिंग सिलेबस कॉपी। देखिए, अब आप लास्ट नाइट में क्या है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करो कि जो सिलेबस कॉपी उसे निकाल लीजिए और उसके हिसाब में सिलेबस कॉपी में जो मेन पॉइंट दिए सिर्फ उसे ही स्टडी कीजिए। जो बुक में है उसे, बुक में क्या होता है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट रहते हैं जो आपके काम के नहीं, आपको क्या करना है, टाइम नहीं इसलिए सिलेबस में जो मेन मेन पॉइंट दिए हुए उसे ही स्टडी करना है, बाकी कोई भी स्टडी नहीं करना है, तो आप आसानी से पास हो जाओगे। तो यही कुछ पॉइंट थे जो आपको लास्ट नाइट स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कि आपको देखना है कि कौन से चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा मार्क है, उसे सबसे पहले स्टडी करना है। उसके बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और स्टडी अकॉर्डिंग सिलेबस, ये तीसरा पॉइंट, इससे भी आप आसानी से पास हो जाओगे।